सब्सक्राइब कीजिए एमएस टेक स्कूल और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लाइफ हैक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं एमएस टेक स्कूल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं 12 वोल्ट बैटरी को चार्जिंग का जो प्रोटेक्शन होता है, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी को ओवर चार्ज होने से कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए एक सर्किट बनाएंगे जो कि ऑटो कट ऑफ का काम करेगा। जैसे ही 12 वोल्ट या 14 वोल्ट ऊपर से ऊपर जाएगा तो ये जो आपका रिले है ये चार्जिंग को रोक देगा। या आप ऐसा भी कुछ कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा सामान हो जो 12 वोल्ट पे चलता हो और आपको डर हो कि वो 12 वोल्ट से ऊपर जाने पर वो सामान डैमेज हो सकता है, फ्यूज़ हो सकता है, जैसे कोई बल्ब हुआ या कोई टेप रिकॉर्डर हुआ जो 12 वोल्ट या 13 वोल्ट के ऊपर जाने के बाद वो फ्यूज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस जगह पर भी ये सर्किट काम आ सकता है कि जैसे ही ओवर वोल्टेज हो ये आपका जो सप्लाई है वो कट जाएगी। तो उस जगह पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक 12 वोल्ट या 6 वोल्ट पर काम करने वाला रिले और एक BD139 नंबर की ट्रांजिस्टर। इन दो चीज़ों की मदद से, जो खास चीज़ें हैं ये दो ही चीज़ें हैं, बाकी आपको डायोड और रेजिस्टेंस और एक 10K या 100K का ओम का जो वेरिएबल रेजिस्टर आता है वो कुछ इस तरीके का, इन्हीं कुछ चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा आपको। बाकी जो मेन है वो ये दो कॉम्पोनेंट्स ही हैं। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। तो इसके लिए मैं इस तरह का एक सिंपल सी PCB ले लेता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने कहा था कि आप सभी मेरी वीडियोस अगर देखते हैं और वो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और सच में आप लोगों ने तो मैजिक कर दिया यार। वीडियो देखी, आपको पसंद भी आई और आप लोगों ने लाइक भी किया, और जम के लाइक किया यार, कसम से। और उसकी वजह से जो मैं मोटिवेट हुआ हूँ ना, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को यार। आप लोग इतना अच्छा मुझे मतलब मोटिवेट कर चुके हैं कि मैं जो YouTube छोड़ने वाला था वो भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है मेरे मन से कि हाँ यार छोड़ूंगा नहीं। कुछ दोस्त हैं मेरे YouTube पर, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो लगातार मुझे कमेंट करके क्वेश्चन करते रहते हैं, और रियली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि यार वो लोग कमेंट करते हैं और मैं उनका रिप्लाई दे देता हूँ। और मुझे आशा है कि यार इस बार भी अगर ये वीडियो कसम से किसी को अच्छी लगी ना यार, तो लाइक ज़रूर करना, ना अच्छी लगी तो यार डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, मेरा भी अच्छा फंडा है। मैं यहाँ सर्किट को भी असेंबल कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर, मैं इसे अच्छी तरह से एनालाइज़ कर लूँ कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। एक बार देख लेता हूँ इसे सर्किट डायग्राम। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि सर्किट डायग्राम जो है आपको वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मेरी एक वेबसाइट है ग्रोआमिस नाम से। तो आपको वहाँ पर सारे जो भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ उसके सारे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट में जो वेबसाइट पर सारा डायग्राम और बनाने का जो सामान है वो सब वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। कुछ कंपोनेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि उनकी लेग्स बहुत ही मोटी होती हैं, और कई बार मुझे वीडियो बीच में पॉज करके इन्हें इंसर्ट कराना पड़ता है। जैसे कि ये वेरिएबल रजिस्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, और उधर मेरा डायोड भी गिर गया। खैर, वो तो सिर्फ एक नमूना है, मैं उसे अभी असेंबल कर लूँगा और सोल्ड कर लूँगा तो वो प्रॉब्लम नहीं खड़े करेंगे। खैर, लगता है मुझे यहाँ पर इसके होल्स को बड़ा करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, काफ़ी मोटी लेग्स हैं इनकी। और यार लास्ट टाइम मैंने कहा था लाइक करने के लिए, तो यार लाइक तो कर दिया आप लोगों ने भाई, लेकिन यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्या पता कभी आपको मेरे चैनल की ज़रूरत पड़े और आप मेरे चैनल का नाम भूल जाएं तो आप कैसे सर्च करेंगे कि हाँ यार आमिर टेक स्कूल नाम से कोई चैनल है जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ वीडियोस डालता है। तो यार कोशिश किया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई अब तो। और वैसे कुछ दोस्त मेरे इतने अच्छे बन चुके हैं YouTube पर कि वो लोग मुझसे लगातार कोई ना कोई क्वेश्चन दिन में करते ही रहते हैं। और एक भाई साहब है मेरे, कैश ऑफ क्लांस, क्लांस ऑफ कैश, मैं गेम नहीं खेलता हूँ लेकिन वो किसी गेम के नाम पर उनका नाम रखा हुआ है उनके जीमेल का। वो काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी कमेंट करते हैं,
मैंने उनसे कहा, वो मुझसे मतलब हेल्प मांग रहे थे कि मैं उनको अपना जीमेल आईडी दे दूँ, लेकिन यार जीमेल आईडी तो ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में था ही, लेकिन शायद उन्होंने वहाँ पे देखा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अभी उनको रिप्लाई कर दिया है अपना जीमेल अकाउंट। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ यार, वहाँ पर सेंड कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। यार कोई बात नहीं, व्हाट्सएप नहीं है तो क्या होगा यार, हेल्प आपकी ज़रूर होगी। एक तो इतने बारीक बारीक सोल्डरिंग, ऊपर से ये काई बहुत ही मोटी बीट है मेरे कहिए की। वैसे आप लोग इसको आयरन बोलते हैं, मेरे यहाँ इसे काई बोलते हैं। यार आप हंसना मत भाई की, यार मेरी तरफ काई बोलते हैं और आप लोग आयरन बोलते हैं। तो दोस्तों लगभग लगभग सारी सारी जो सोल्डरिंग है वो हो चुकी है। अब इन्हें एक और चीज़ जोड़ना पड़ेगा इसमें, वो है जंपर्स वायर्स। तो जंपर वायर के बिना तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो ये खुले हुए हैं। ओ शिट, एक डायोड यहाँ पर गिर गया है। कोई बात नहीं, मैं इस डायोड को फिर से लगा लेता हूँ। दोस्तों आप लोगों से एक और सजेशन मैं चाहता हूँ कि क्या मैं किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। जैसा कि इससे पहले मैं मेरे चैनल पर करीब 50 से 80 वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड और मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड थे, लेकिन मैंने उन्हें एक साथ पूरे वीडियोस ही डिलीट कर दिए। प्राइवेट नहीं किए, लेकिन मैंने डायरेक्ट उन्हें डिलीट कर दिया। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यार अगर आप लोग सजेस्ट करें तो क्या मैं कंप्यूटर और एंड्रॉयड से रिलेटेड या और भी जो नए इन्वेंशन होते रहते हैं उनसे रिलेटेड अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो क्या आप लोग पसंद करेंगे, ताकि मैं उस बारे में वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सर्किट अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। हाँ दोस्तों, मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैंने इस सर्किट को टेस्ट करने के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मैंने इस LED को 1K रेजिस्टेंस की मदद से सोल्ड किया हुआ है, ताकि जब इसको मैं टेस्ट करूं तो आपको दिखा सकूं कि ये एक्चुअली में वर्क कर रहा है, ना कि मैं सिर्फ आपको टिक टैक करके यहाँ पे आवाज़ सुनाता तो वो काफ़ी ऑडली हो जाता और लोग नीचे कमेंट करते कि फेक वीडियो है। तो जब जब ये ऑफ होगा उस टाइम ये रिले ओवर वोल्टेज को कट कर रहा होगा। तो ये बात का आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा ये रेड लाइट ऑन रहेगी, और जब ये ऑफ़ हो जाए इसका मतलब कि ओवर वोल्टेज की मदद से इसने जो है इस लाइट को बुझा दिया। तो चलिए अब इसके लिए टेस्ट कर लेते हैं। और ये रहा मेरी पावर सप्लाई जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, ये रहा मेरा मल्टीमीटर टेस्ट करने के लिए। और यहाँ बता दूँ आपको कि ये मेरा माइनस पॉइंट है, ये रिले सॉरी ये जो डायोड वाला हिस्सा है ये मेरा माइनस पॉइंट है, और यहाँ पर ये हिस्सा प्लस पॉइंट है। तो मैं माइनस के लिए इसे लगा लेता हूँ, इस क्लिप को, इसे बोलते हैं एलिगेटर क्लिप्स। और ये रहा मेरा प्लस वाला पॉइंट। पीछे दोनों तरफ चेक कर लेते हैं कि सही से लगा हुआ है क्लिप्स कि नहीं। और अब मुझे यहाँ पे लगाना होगा इन दोनों प्रॉप्स को जो कि प्लस और माइनस है। और मल्टीमीटर वहाँ पर सेट है। तो दोस्तों अब मैं वोल्टेज को बढ़ाने वाला हूँ, और जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा करीब 2.5-3 वोल्ट होगा ये LED ऑन हो जाएगी। लेकिन रिले काम तब करता है जब इसको 6 वोल्ट या 6.5 वोल्ट के बाद पावर मिलेगी, तभी ये कट करना स्टार्ट करेगा। और मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये मिनिमम 7 वोल्ट से लेकर के मैक्सिमम 14 वोल्ट के आसपास तक कट कर सकता है, यानी कि 7 वोल्ट से लेकर के 14 वोल्ट तक के वोल्टेज के बीच में अगर आप चाहते हैं कि ये पावर कट कर दें तो ये कट कर जाएगा। तो मैं इसे अभी मिनिमम पर सेट कर लेता हूँ। और मैं इसे पढ़ा लेता हूँ। देखिए अभी वहाँ 0 वोल्ट है और LED भी ऑफ है। 2.5-3 वोल्ट होने पर ये LED जल जानी चाहिए।
जैसे कि देख सकते हैं कि LED ग्लो कर गई है। और अब मैं इसे और इंक्रीज़ करता हूँ और 7 वोल्ट के आसपास पर इसके रिले को ऑफ हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया वोल्टेज। मैं फिर से स्लोली बढ़ाता हूँ और देखते हैं कि कितने वोल्ट पर ये LED बंद हो जाती है। सात पचास जा चुका है, 7:50 पर ये बंद हो गया। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 7:50 के बाद से जैसे ही रिले ऑफ हो जाती है इसका वोल्टेज इंक्रीज इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है इस मेरे पावर सप्लाई में वो डिस्चार्ज जो था वो फुल से चार्ज हो जा रहा है, इसलिए वहाँ पर अचानक से वोल्टेज बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या करते हैं, अब इसका जो मैक्सिमम वो है मतलब मैक्सिमम कितने वोल्ट तक ये कट कर सकता है, अब मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों दोबारा से चेक करते हैं कि मैक्सिमम में कितने वोल्ट तक जा सकता है। दोस्तों मैंने तो चेक किया करीब ये 12 वोल्ट के आसपास तक ये पावर को कट कर रहा है। मैंने सोचा था कि शायद ये कुछ और ऊपर तक जा सकता है करीब 14 वोल्ट तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो इस IC की वजह से हो रहा है। और इस IC को ऐसा सेट ही किया गया है कि जैसे ही इस पर 12 वोल्ट का पावर जाता है ये आगे पावर जाना बंद कर देता है। तो बस अब आप इससे समझ गए होंगे कि एक सर्किट ब्रेकर या ओवर लोड प्रोटेक्शन या फिर कह लीजिए ओवर चार्जिंग बैटरी ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन कैसे बनाया जाए, वो आपने इस वीडियो में सीख लिया। तो दोस्तों अगर आपको भी ये सर्किट बोर्ड बनाना हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरी वेबसाइट का लिंक है, आपको वहाँ सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा और जो यूजिंग कंपोनेंट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। और मैं आपसे एक और बात बता दूँ कि वहाँ पर आपको ये वाला रेजिस्टेंस यानी 1K रेजिस्टेंस और ये LED का सर्किट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए दिखाया हुआ, ना कि मैं इसे वहाँ पर देने वाला हूँ। आपको रिले को समझना होगा कि कौन सा ऑन ऑफ जा रहा है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कहा था तो आप लोगों ने छप्पर फाड़ कर लाइक किया था। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, लेकिन जो भी व्यूज़ आए यार लाइक मार देना भाई। अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो और असल में पसंद आई हो मेरी वीडियो तो यार लाइक मार देना, क्योंकि यार आई थिंक कोई और चैनल ऐसा नहीं है जो आपको इतनी अच्छी तरह से समझाता हो। मैं कोशिश करता हूँ कि अब से मैं खासकर कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं बना रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।